हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लाभ और हानि। दोस्तों, लाभ और हानि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक गाय को 500 रुपये में खरीदा और 300 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ऑप्शन आपके पास 20%, 30%, 10%, 40%। अगर दोस्तों आपको ये भी दिख रहा है कि खरीदा कितने में, 500 में, और बेचा कितने में, 300 में, तो 500 में 300 घटाएं कितने बचे दोस्तों? 500 में से 300 घटाएं कितने बचे गए? 200 रुपये की हानि हुई। लेकिन ये 200 रुपये केवल हानि हुई, अपनों को प्रतिशत में बताना है। क्या बताना है अपनों को? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में हानि कैसे बताएंगे? यहां लिखेंगे हानि बराबर, अब कितने रुपए की हानि हुई दोस्तों? 200 रुपए की हानि हुई। हानि कितने हुई अपनों को? 200 रुपए की। अब कितने पे हुई दोस्तों? 500 रुपए पे। कितने पे हुई? 500 रुपए पे हुई। अब यहाँ पे 100 लिख दो, अब 100 पे कितनी हानि होगी? परसेंट निकाला अपनों को, ठीक है, काट पीट कर दो, 2 सिफर से 2 सिफर कट गई, 5 और 5 20 यानी 40 दोस्तों। कितने हुई? 40% की उसे हानि हुई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या है अपना? ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सीधा सीधा इसको घटाया, हानि परसेंट अगर निकालना है तो जितनी हानि हुई उसको लिख दो और क्रय मूल्य लिख दो और फिर 100 कर दो, इस सोपे कितनी हानि होगी, तो 40% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक रेडियो को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना अपनों को? क्रय मूल्य। ऑप्शन अपने पास 4 दे रखे हैं। अब जब दोस्तों एक क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या होगा? क्रय मूल्य अगर निकालना है तो पहले कितना दे रखा उसने, विक्रय कितना दे रखा दोस्तों? 200। कितना दे रखा? 200 विक्रय दे रखा है, ठीक है, 200 रुपये दे रखा है। अब क्या करेंगे? क्रय मूल्य अपने को निकालना है, 200 रुपये तो अपने लिख दिया, इसके ऊपर 100 भी कर दो, ठीक है। अब क्या करना? अब हानि कितने की? 20% की। दोस्तों हानि हो चाहे लाभ हो, अगर क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना हो आपको, हानि हो चाहे लाभ हो, लाभ हो तो 100 में प्लस करके लिख दो और हानि हो तो 100 में माइनस करके लिख दो। अगर 20% की हानि है तो 100 में से 20 गया तो कितने बचे? 80 रुपये बचे, ठीक है, क्योंकि 80% है यहाँ पे, 80% का ऊपर करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना। लाभ हो तो जोड़ के लिख दो, हानि हो तो घटा कर लिख दो। अगर 20% की हानि हो रही है तो 100 में से 20 गया तो 80, ठीक, काट पीट कर दो, 0 से 0 कट गई, 4 से काटा तो यहां से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 4 8 5 40 25 दाम 250। तो ये अपना क्रय मूल्य, ये 250 दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है अपना, सी ऑप्शन अपना राइट है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, एक बकरी को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो पहले उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्या निकालना अपने को? क्रय मूल्य, वही क्रय मूल्य अभी बात हुई थी अपनी, क्रय मूल्य बेचने कितना है इसका? 800, ठीक है, गुणित 100 तो लिख ही दो, 800 × 100 तो लिख ही दो। अब हानि कितने की? 20% की। हानि कितने की? 20% की, 100 में से 20 के कितने बचे? 80, ठीक है, सीपर से सीपर कट गई, 8 8 10 और कितने बचे? क्रय मूल्य कितना हुआ? 1000, कितना हुआ? 1000 रुपये हुआ, ठीक। अब क्या करना? उसको 20% लाभ में बेचना, विक्रय निकालना, क्या निकालना अपनों को? विक्रय, विक्रय, विक्रय मूल्य बराबर निकालना है अपनों को, तो 20% लाभ, लाभ कितना मिलेगा उसको? 20%,
कितना लाभ लेना आप लोगों, 20% का लाभ लेना। तो दोस्तों 20% लाभ के लिए क्या करना आप लोगों, देखो 20% का लाभ निकालना है और विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 20% का लाभ, ये 100 की वस्तु कितने बेची, 120 में, 100 में जोड़ देंगे इसको, 120 बटा 100 इंटू 1000, ठीक है। 100 की वस्तु कितने बेची अपनों ने, 120 में, यानी 20% का लाभ हो रहा, और 1000 लिख देंगे गुणित करके, ठीक है। अब इसको काट पीट कर दो, 2 सिपर से 2 सिपर कट गई, और 120 में 10 का गुणा तो 1200, कितना आया 1200। दोस्तों ये ऑप्शन ऑप्शन सही है, 1000 उसका क्रय था और 1200 में बेचेंगे तो उसका 20% अपने को लाभ हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकालो। ये तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्रय मूल्य बराबर वही 700 × 100, अब 40% का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ, लाभ मतलब 100 में जोड़ेंगे 140, हानि होती तो घटाते, लाभ हुआ इसलिए जोड़ दिया। अब काट दो, सीपर से सीपर कट गई, 14 × 14 = 70, 100 × 5 = 500। दोस्तों 500 अपना ये ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से बड़ी अपने आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें।